तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की दौसा के सिकराय में आज हो रही चुनावी सभा कई मायनों में खास रहेगी। दरअसल आज की इस जनसभा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने कुनबे में ऑल इज वेल का संदेश देने पर फोकस करेगी। इस अपकमिंग फिल्म की पटकथा कल नई दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद ही लिखी जा चुकी है। गौरतलब है कि आज प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे से ठीक एक दिन पहले कल सीएम गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट गुट के प्रति किसी तरह का मनमुटाव नहीं होने और प्यार मोहब्बत तक की बात कही। इसकी प्रतिक्रिया में पायलट ने भी एक बयान में पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात स्वीकारी। प्रियंका की सभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंबे वक्त के बाद एक मंच पर होंगे। मौका होगा कांग्रेस पार्टी की ईआरसीपी जनजागरण अभियान के समापन के मौके पर बुलाई गई जनसभा का। इसी अभियान का आगाज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों 12 से किया था। सीएम गहलोत की मौजूदगी के इस कार्यक्रम में सचिन पायलट की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही थी। हालांकि पायलट उस दिन टेरिटोरियल आर्मी में मेजर की एक परीक्षा के सिलसिले में नई दिल्ली में थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल नई दिल्ली से सीधे दौसा के सिकराय पहुंचे, जहां कांदोली में उन्होंने सभा स्थल पर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री मुरारीलाल मीणा, मंत्री ममता भूपेश के अलावा वरिष्ठ नेता जीआर खटाना, महेश शर्मा और राजेश चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे।